जो जो मैं चीजें आपको बताता जा रहा हूं, अभी अपना अकाउंट ओपन करें और जिस जिस तरह मैं बताता जा रहा हूं आपने इसी इसी तरह अपने अकाउंट की सेटिंग करते जाना है। नेक्स्ट वीडियो आप पोस्ट करोगे, गारंटी मैं देता हूं वीडियो आपकी पक्की वायरल। हेलो तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं आप सब होंगे खैरियत से। दोस्तों, क्या आप टिकटॉक पे वायरल होना चाहते हो? अगर आप टिकटॉक पे वायरल होना चाहते हो तो क्या आपने टिकटॉक को बताया है कि आपका टॉपिक क्या है? क्या आपने टिकटॉक को बताया है कि आप अपना प्रोफाइल बिजनेस पे चला रहे हो या पर्सनल के लिए यूज कर रहे हो? और क्या आपने टिकटॉक को बताया है कि आपका टॉपिक क्या, आपकी कंटेंट कैटेगरी कौन सी है? और क्या आपने टिकटॉक को बताया है कि आप किस जुबान में वीडियोस बनाते हैं? अगर आपने टिकटॉक को ये नहीं बताया तो टिकटॉक आपको किस तरह वायरल करेगा? भाई बिल्कुल आपको टिकटॉक वायरल नहीं करेगा, क्योंकि टिकटॉक को ये ही नहीं पता कि आप किस जुबान किस तरह की वीडियोस लगाते हैं। तो आज की वीडियो में यही सब चीजें मैं आपको विद ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आपने टिकटॉक को किस तरह बताना है, और 2024 की टोटल सेटिंग इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कमाल की वीडियो होने वाली है। मुझे यकीन है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपकी वीडियो पक्की वायरल होगी, गारंटी मैं देता हूं। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है मेरा 4.7 मिलियन वाला वेरीफाइड अकाउंट, और ये अकाउंट मेरे उस मोबाइल में लॉगिन है जिससे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए सेकंड चैनल जो कि ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इससे मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा, और रियल सेटिंग जो मेरे बड़े अकाउंट की है वही सेटिंग आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अकाउंट पे। ये मैं अपने अकाउंट पे आ चुका हूँ। ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहां पर क्लिक करना है, और नीचे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहां पर क्लिक कर देना है। और सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है अकाउंट, सबसे पहले आपने अकाउंट पे जाना है और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक कर देना। सबसे ऊपर वाला ही है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहां पर आप देखें फोन नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई भी मेरा फोन नंबर ऐड नहीं है। नीचे देखें जीमेल ऐड है, तो अब मैंने यहां पर अपना फोन नंबर ऐड करना। फोन नंबर किस तरह ऐड करते हैं मैं शॉर्ट से आपको बता देता हूँ। यहां पर आपने क्लिक करना और यहां पर आपने अपना नंबर लिख देना 0300 आगे फ्ला 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 जो भी आप समझ ले नंबर लगा के आपने सेंड कोड करना। आपके पास एक कोड आएगा, वो आप लगाएंगे, आपका नंबर आपके अकाउंट पर लग जाएगा। अब आपकी जीमेल भी लगी हुई है और उसके बाद आपका ईमेल भी लगा हुआ है, इसी तरह आपने ईमेल भी लगा लेना है। उसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने यहां पर क्लिक करना और यहां पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर जो आपने अपने अकाउंट पे लगाया हुआ है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद आपने यहां पर लिखना है अपार्टमेंट, यानी कि गली वगैरह का कोई एड्रेस लिख दे, कोई मसला नहीं। कंट्री आप अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान, दुबई में तो दुबई, अगर इंडिया में तो इंडिया, बल्कि इंडिया में तो यार वैसे ही बैन हो चुकी है। इंडिया वालों अब सुनाओ क्या हालात है आप लोगों के, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। उसके बाद आपने अपने सिटी लिखना, जिस तरह अगर आपका लाहौर है तो लाहौर लिखना है। ये ना हो कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो आप न्यूयॉर्क की सिटी लिख रहे हो, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। और जिप कोड आप अपने गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अगर लाहौर में है तो लाहौर का जिप कोड। यहाँ पर जिप कोड लगाने के बाद आपने सब नीचे आ रहा है सेव चेंजेस, ये बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, आपने टिक कर लेना। अभी फिर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। ये सब आपने फिल करके ओके करना। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब भी टिकटॉक टीम में आपके साथ रब्ता करना होगा, आपने जो यहां पर नंबर दिया होगा वो व्हाट्सएप पर होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, या इसके अलावा जो आप मेल देंगे वो आपको मेल पे भी मैसेज करेंगे, तो अपना इनबॉक्स भी आपने देखते रहना है। नीचे चलते हैं सेटिंग नंबर 2, ये है भाई पासवर्ड। यहां पर मैं छोटा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको बताता हूँ, पासवर्ड आपने चेंज कर लेना है, क्योंकि जो एक पासवर्ड जो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा आपने टिकटॉक पर नहीं लगाना, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि टिकटॉक को लगता है कि यार ये बंदा अपने अकाउंट की इतनी सिक्योरिटी नहीं करा। जब भी आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपका सर्वर पे ये अपडेट हो जाता है, आपका अकाउंट जब अपडेट हो जाता है तो ये दोबारा से बाहर आ जाता है, यानी कि फिर ये फ्रीज वाली साइड पे नहीं जाता, वायरल वाली साइड पे जाता है। तो ये भी मैं एक दफा स्किप कर रहा हूँ, लगाना नहायत आसान है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि पासवर्ड किस तरह चेंज करना है, नंबर किस तरह लगाना, मेल किस तरह लगानी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, आप इन सब चीजों को आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे लास्ट में एक चीज मैं आपको दिखा दूं, डीएक्टिव और डिलीट अकाउंट, यहां पर क्लिक करें, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उसके बाद हम चलते हैं प्राइवेसी पे। यहां पर मैं 2 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सुनना बहुत जरूरी है, वरना पूरी सेटिंग आपकी बेकार हो जाएगी
आपको कोई भी समझ नहीं आएगी अगर आपने प्राइवेसी में दो चीजें मिस कर दी तो। तो चलते हैं हम प्राइवेसी में। अब ये देखे सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर, आपने यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शंस को आपने ऑन कर लेना है। इसका फायदा ये होगा कि आप जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे, अगर आप कॉन्टैक्ट्स को ऑन करेंगे तो आपकी वीडियो जो आप पोस्ट करेंगे अपने अकाउंट पे वो आपके दोस्तों के पास फॉर यू में जाएगी। उसके बाद फेसबुक फ्रेंड्स, इसी तरह आपके फेसबुक फ्रेंड्स जो है उनको जब वो टिकटॉक यूज करेंगे तो आपकी वीडियो उनको रिकमेंड की जाएगी। इसी तरह दूसरे जो आप, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम जाएंगे यहां पर नीचे आ जाए कमेंट्स में। तो कमेंट्स देख लीजिएगा, अक्सर लोगों के कमेंट्स नहीं आते तो इसको एवरीवन कर देना। ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको एवरीवन कर देना। बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद मेंशन टैग एवरीवन, स्टोरी एवरीवन, ड्यूट पर जल के एवरीवन, स्टिच पे जाके एवरीवन, स्टिकर पर जाके एवरीवन, और अब देखिएगा डाउनलोड पे जाके ऑन। कुछ लोगों ने करना है, कुछ लोगों ने नहीं करना। अब ये सुन लीजिए किन लोगों ने ऑन करना है और किन लोगों ने ऑन नहीं करना। तो दोस्तों अगर आप पोइट्री वगैरह पर वीडियोस बनाते हैं तो आपने अपने डाउनलोड्स को ऑफ कर देना है, और या आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि लोग आपकी वीडियो सेव करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर लगाते हैं तो आपने डाउनलोड्स को ऑफ कर देना है। अगर आप फनी वीडियोस अच्छी बनाते हैं कि लोग आपकी वीडियो उठा के अपने स्टेटस वगैरह पे लगाते हैं तो फिर भी आपने डाउनलोड्स ऑफ कर देना। ये वायरल होने की मेन ट्रिक है। और अगर आप मेरी तरह वीडियोस बनाते हो या कोई हल्की फुल्की लिपसिंग करते हो या सॉन्ग्स वगैरह पे लिपसिंग करते हो तो भाई फिर आपने इनको ऑन रखना है, डाउनलोड को आपने ऑन रखना है। जो जो मैं सेटिंग बताता जा रहा हूँ साथ साथ अपना मोबाइल पकड़ के ये सेटिंग करते रहें। फॉलोइंग लिस्ट अगर आप एवरीवन करना चाहते हो तो कर ले। अगर आपने चाहते कि आपने कुछ लोगों को फॉलो किया हुआ है लेकिन आपका कोई दोस्त रिश्तेदार या कोई भी बंदा इन लोगों को ना देख सके कि आपने किन लोगों को फॉलो किया, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो रात को बिस्तर में बैठ के, समझ रहे हो ना, तो वो लोग अपनी फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रखिएगा। उसके बाद नीचे आप लाइक वीडियो, इसको भी ओनली मी कर लीजिएगा। खास तौर पे जो सेकंड कैटेगरी के लोग बताए ना वो तो इसको जरूर कर लीजिएगा, वरना आपकी चोरी सारी पकड़ी जाएगी कि आपने किस किस बंदे की वीडियो लाइक की है। तो इसको याद से इसको ओनली मी पे कर दीजिएगा। फेवरेट साउंड इसको ऑफ कर दे, ऑन कर दे, कोई मसला नहीं है। पीछे चलते, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ तो यहां से जाके आप उसको भी देख सकते हैं अगर उसको अनब्लॉक करना चाहते हो। अगर आपकी बंदी ब्लॉक में पड़ी है तो उसको अनब्लॉक नहीं करना, उसको पड़ी रहने दो। थोड़ी सी और सेटिंग है, वीडियो काफी लंबी हो रही है लेकिन आपको पता है मेन वीडियो और 2024 की सबसे जबरदस्त सेटिंग है। तो हम चलते हैं आगे। सिक्योरिटी पर आपने जाना है। सिक्योरिटी पर जाने के बाद अब आप सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है, यहां पर आपने क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद ऑल ओके डन का आपको एक मैसेज आ जाएगा। ये देखे टिक लगा हुआ, गुड, नीचे डन, डन कर देना। हमने हमारे अकाउंट को कोई इशू नहीं है। मैनेज डिवाइसेस में जाए, अभी यहां पर अगर मेरी कोई डिवाइस लगी हुई तो मैं आपको रिमूव करके दिखा दूंगा। ये देखे अब मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसके अलावा देखे पोको M3, क्रोम। हमारे जो नीचे मोबाइल है जो हम यूज नहीं कर रहे उन सबको हमने डिलीट करना है। अगर आपके पास दो मोबाइल है, जिस तरह अभी आप समझे कि मेरे पास सैमसंग इस वक्त है और सेकंड मोबाइल जो मेरा वो पोको M3, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो क्रोम का लोगे ना आपने इसको रिमूव कर देना है। अक्सर आपके पास कोड भी आएगा, अब देखे मेरा इसी तरह रिमूव हो रहा है लेकिन अक्सर हो सकता है आपको फोन नंबर या जीमेल पे कोई कोड आएगा तो वो आप कोड लगाएंगे फिर भी रिमूव हो जाता है, अक्सर सिक्योरिटी की वजह से हो जाता है। तो ये भी हमने कर दिया। उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन पे जाना है, इसको हमने ईमेल और फोन नंबर, पासवर्ड पर बिल्कुल आपने नहीं करना क्योंकि अगर पासवर्ड भूल गए तो आपका फिर अकाउंट लॉगिन करना मुश्किल हो जाएगा। पासवर्ड पर हमने अनचेक कर देना है और उसके बाद ऊपर वाले दोनों को चेक करने के बाद इसको टर्न ऑन कर लेना है। अब हम टिकटॉक को ये बताने जा रहे हैं कि हमारी वीडियो कौन सी जुबान में बनती है और हम किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं। ये बताने के लिए आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, कंटेंट प्रेफरेंस, आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पर वीडियो लैंग्वेजेस पे हमने जाना है, ऐड लैंग्वेज पे जाना है और एक तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे ही हम। ये मैंने एक इंग्लिश सेलेक्ट कर ली और उसके बाद एक देखे क्या आपकी जुबान कहीं उर्दू या हिंदी या जो आपकी जुबान है क्या आपको मिलती है। ये देखे मुझे उर्दू भी मिल रही है, मैंने उर्दू और इंग्लिश को मैं समझता हूं तो मैंने इसको डन कर लेना है। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते
तो फिर भी आपने इंग्लिश को जरूर सेलेक्ट कर लेना। ये देखें मैंने दोनों की हुई है, एक आपने अपनी जुबान और एक इंग्लिश जरूर सेलेक्ट कर लेनी है, ये करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे आ रहा है रिफ्रेश यूर फॉर यू फीड। इस पे एक मैं डेडिकेटेड आपको वीडियो बना के दे दूंगा क्योंकि इसमें भी एक कमाल की ट्रिक छुपी हुई है, तो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको ये सेटिंग में इस वीडियो की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के जरूर होगी। अब एक लास्ट सेटिंग आपको बताने जा रहा हूं, ये जरूर कर लीजिएगा और आपने 24 घंटों के बाद या जब भी आप वीडियो पोस्ट करते हैं ये सेटिंग आपने हर दफा करनी है, ये नहीं कि एक दफा कर ली और बात खत्म। अब देखिएगा ये सबसे ऊपर आ रहा है, यहां पर हमारे सामने एक ऑप्शन है फ्री अप स्पेस, यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद क्लियर कैची आ रहा है आपके सामने और उसके बाद डाउनलोड्स आ रहा है और उसके बाद ड्राफ्ट आ रहा है। याद रखिएगा सिर्फ आपने क्लियर कैची को क्लियर करना है, डाउनलोड्स को क्लियर करोगे तो जो भी आपने टिकटॉक से वीडियोस डाउनलोड की है वो आपकी डिलीट हो जाएगी गैलरी से, और ड्राफ्ट को क्लियर करोगे तो जो आपने ड्राफ्ट में वीडियोस रखी हुई है वो सब आपकी गायब हो जाएंगी, फिर आपको मिलेगी नहीं। फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि यार हमारी ड्राफ्ट से वीडियोस डिलीट हो गई है, वो किस तरह रिकवर होंगी, तो भाई इस तरह बिल्कुल मत कीजिएगा, ड्राफ्ट वाली आपने कभी भी क्लियर नहीं करनी। एनीवे डिस्क्रिप्शन में मेरे मैनेजर का नंबर है, वहां पर जाके आप मेरे मैनेजर से रابطہ कर सकते हैं, अगर कोई जरूरी काम हुआ तो मैं भी आपसे बात करूंगा। खुश रहे, खुश रखे, दुआओं में याद रखे, ये सेटिंग जरूर कीजिएगा, मुझे कंफर्म पता है कि आपकी वीडियो पक्की वायरल होगी। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको दो वीडियोस और नजर आ रही होगी, कमाल की वीडियोस हैं, ये जरूर देखिएगा और कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लगाऊं। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक इनाम भी दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।